आप सभी का हमारे चैनल इंडियन एयरलाइंस में स्वागत है। रोजाना की तरह आज भी हम एयरलाइंस की कुछ बड़ी खबरें लेकर आपके सामने हाजिर हैं। तो चलिए चलते हैं पहले डोमेस्टिक खबरों की तरफ। तो पहली खबर आ रही है एयर इंडिया से। आपको बताना चाहेंगे कि एयर इंडिया US कनाडा में फंसे हुए लोगों को भारत वापस आने के लिए अपनी वेबसाइट पर टिकट की बुकिंग शुरू करने जा रही है। ये बुकिंग कितने बजे से रहने वाली है इसके ऊपर डिटेल वीडियो आपको थोड़ी देर में हमारे चैनल पर मिल जाएगी। एयरलाइन से अगली खबर लेते हैं गो एयर से। आपको बताना चाहेंगे कि गो एयर के एक एम्प्लॉय को गो एयर ने टर्मिनेट कर दिया किसी खास धर्म को लेकर ट्विटर पर लिखने को लेकर। आपको बताना चाहेंगे कि अब गो एयर ने उस टर्मिनेशन को सस्पेंशन में बदल दिया क्योंकि गो एयर के उस एम्प्लॉय ने साइबर सेल में ये कंप्लेन किया है कि ये कमेंट उसने नहीं किया है, उसके बिहाव पर ये कमेंट किसी और व्यक्ति ने किया है। एयरलाइन से अगली खबर लेते हैं बेंगलुरु एयरपोर्ट से। आपको बताना चाहेंगे कि बेंगलुरु एयरपोर्ट ने यहां पर कॉन्टैक्टलेस ट्रैवलिंग का वादा किया है। जैसे ही आप एयरपोर्ट पर लैंड या टेक ऑफ करोगे उस समय आपके और एयरपोर्ट स्टाफ के बीच में होने वाले संपर्क को जीरो कर दिया गया है, जिससे कि आपका किसी भी तरीके से एयरपोर्ट स्टाफ से संपर्क नहीं होने वाला। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि यात्री और स्टाफ के बीच में सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन किया जा सके। आप नज़र डालते हैं इंटरनेशनल खबरों की तरफ। तो पहली खबर आ रही है इंडिगो से। आपको बताना चाहेंगे कि इंडिगो ने यहाँ पर मस्कट से अपने चार्टर्ड फ्लाइटों की उड़ानें शुरू कर दी है। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि मस्कट से 110 भारतीयों को लेकर इंडिगो ने अपनी पहली उड़ान कोझिकोड़े के लिए भरी। आपको बताना चाहेंगे कि इससे पहले इंडिगो ने ये अनाउंसमेंट कर दिया था कि जो भी पैसेंजर चार्टर्ड फ्लाइटों की सर्विस लेना चाहते हैं वे इंडिगो की साइट पर आकर अपनी बुकिंग कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से अगली खबर भी चार्टर्ड फ्लाइटों को लेकर आ रही है। मस्कट की एक और एयरलाइन कंपनी सलाम एयर, जो कि बहुत ही छोटी सी एयरलाइन कंपनी है, उसने भी अपनी पहली चार्टर्ड सर्विसेज भारत के लिए शुरू कर दी है। इसमें तकरीबन 180 भारतीयों को देश में लाया गया, जिसमें 60 पेशेंट, 17 बच्चे और 24 प्रेग्नेंट महिलाओं के साथ साथ 24 ऐसे लोग थे जिनका वीजा एक्सपायर हो चुका था। इन सभी को चार्टर्ड फ्लाइटों के माध्यम से देश में लाया गया। आपको बताना चाहेंगे कि सलाम एयर की चार्टर्ड फ्लाइटों की सर्विस अली हिंद टूर एंड ट्रैवलर के माध्यम से की जा रही है। यदि आप भी इन चार्टर्ड फ्लाइटों की सर्विस लेना चाहते हैं तो आप अली हिंद टूर एंड ट्रैवलर से संपर्क कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से अगली खबर लेते हैं अमीरात से। अमीरात अभी अपने कुछ एम्प्लॉयों को जॉब से निकालने वाला था, लेकिन अभी लेटेस्ट खबर आ रही है कि आने वाले समय में इसके डेट को बढ़ाकर अब सितंबर महीने तक कर दिया गया है। यानी कि सितंबर महीने तक अमीरात अपने एम्प्लॉयों को जॉब से नहीं निकालने वाला। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से अगली खबर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया से। आपको बताना चाहेंगे कि ऑस्ट्रेलिया से भारत लौटने के लिए रजिस्ट्रेशन करने की आखिरी तारीख आज यानी 8 जून तक ही है, जो कि रात के 12 बजे तक रहने वाली है। यदि आपने अभी तक भारत आने के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप अभी जाकर रजिस्ट्रेशन कर लीजिए क्योंकि कल से ये रजिस्ट्रेशन बंद होने वाला है। तो फ्रेंड्स, ये थी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एयरलाइन से कुछ बड़ी खबरें। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। और डेली एयरलाइंस की न्यूज़ से अपडेट रहना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए।